आप सबको स्वागत है। आज हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 13 जून की शुभदान की। एक शब्द है मैं, और ये शब्द हमें पूरे जीवन भर दुखी करता है, हमें अपनों से ही दूर कर देता है, हमें अपने आप से ही दूर कर देता है। ये मैं शब्द या आई शब्द इंग्लिश का, और यही शब्द है जो कि हमें हमेशा सोचने में लगा देता है कि मैं राइट हूँ कि रॉन्ग हूँ। और अगर हमारी वो कॉन्शियसनेस, हमारी वो चेतना खत्म हो जाए कि मैं रॉन्ग हूँ, तो ये आई शब्द ऐसा अभिमान अहंकार ला देता है कि हम हर किसी को ठुकरा देते हैं, हम हर किसी को दूर कर देते हैं, हम हर किसी को रॉन्ग प्रूफ करना शुरू करते हैं। तो ये आई शब्द या मैं शब्द को बहुत गहराई से समझना जरूरी है। यही हमारे दुख का कारण है, यही हमें कंपैरिजन, कंपटीशन में, अभिमान में, ईर्ष्या घृणा में लेके आता है। तो परमात्मा कहते हैं, मैं पन के दरवाजे को बंद कर माया को विदाई देने वाले निमित्त और निर्माण भव। निर्माण मतलब कि हम्बल, नम्रता। निमित्त मतलब इंस्ट्रूमेंट। सेवाधारी अगर सेवा करते कभी ये संकल्प भी उठाते हैं कि मैंने किया। अब ये सेवाधारी का मतलब यही नहीं कि सिर्फ हम जो ब्रह्म कुमारी से सेवा करते हैं। अगर आप घर में भी कोई सेवा कर रहे हो, घर को साफ कर रहे हो, घर में खाना पका रहे हो, या ऑफिस में कुछ काम कर रहे हो, या कोई प्लानिंग कर रहे हो बिजनेस की, वो भी एक सेवा है, क्योंकि वो समाज में जा करके उसका असर पड़ता है। तो हर चीज सेवा है, हर कर्म सेवा है। सेवाधारी अगर सेवा करते कभी ये संकल्प भी उठाते हैं कि मैंने किया, तो ये मैंपन आना माना सारे किए हुए कार्य पर पानी डाल देना। क्यों? अगर मैंने किया है तो मुझे इंपॉर्टेंस चाहिए, अगर मैंने किया है तो ये मेरी बुद्धि, अगर मैंने किया है तो मेरी स्मार्टनेस, अगर मैंने किया है तो ये मेरे द्वारा ही हो सकता है अच्छा, और कोई कर नहीं सकता मेरे जैसा। अगर मैंने किया है तो मैं ही सबसे समझदार हूँ और मुझे ही पता है कि इस चीज को ठीक कैसे करना है। तो परमात्मा तो गायब हो गया ना इसमें, बाबा तो गायब हो गया। सब चीज को हमने क्या कर दिया, मैपन में डाल दिया। और जिस कारण से क्या होता है, हम लोगों से एक्चुअली भीख मांग रहे होते हैं कि मैंने किया, बोलो है ना, ठीक किया ना मैंने, मैंने किया, देखा मैं तुम्हें दिखाया। ये बोला भी भीख मांगना हो गया लोगों से। सोचिए गहराई से, आप किसी को प्रूफ कर रहे हैं कि आपने ये किया है और वो ठीक हुआ, और जब वो कर रहे थे वो गलत हुआ, तो आप जब बार बार सिद्ध कर रहे हो कि मैंने किया, तो आप मांग रहे हो कि आप दे रहे हो। परमात्मा कहते हैं, सेवाधारी अर्थात करावनहार बाप कभी नहीं भूले कि करवा कौन रहा है, बुद्धि किसने दी है। हमें परमात्मा ने रचा है, तो हमारा मन, बुद्धि, संस्कार को भी परमात्मा ने रचा है। हाँ, हमारे अंदर जब गंदे ख्याल आते हैं तो वो परमात्मा की रचना नहीं है, वो रावण की, शैतान की रचना है। तो हमें परमात्मा की रचना मतलब गुणों, शक्तियों के द्वारा जो भी हम कार्य करते हैं और वो सफल होता है, तो वो है परमात्मा के द्वारा किया हुआ कार्य। और अगर हम अवगुणों को इस्तेमाल करते हैं तो फिर वो शैतान, रावण ने किया है। हम सिर्फ इंस्ट्रूमेंट हैं, या तो हम इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं रावण के, या तो फिर हम इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं परमात्मा के। फिर परमात्मा कहते हैं, हम निमित्त बनकर कर रहे हैं, जहां निमित्त भाव है वहां निर्माण भाव स्वतः होगा, वहां पे नम्रता ऑटोमेटिकली होगी। कोई अगर आपकी महिमा कर देता है, अरे बड़ा अच्छा, बहुत बढ़िया आपने बोला, बहुत अच्छा आपने किया, बहुत अच्छा आपने बनाया ये, और आपको अंदर ही अंदर बिल्कुल ही आप गदगद हो रहे हैं, अंदर लड्डू फूट रहे हैं, तो इसका मतलब कि आप कभी भी गिराए जा सकते हैं अपनी अवस्था में। कोई अगर आपके उसी समय बेइज्जती कर दे, आप जो सातवें आसमान में चढ़े हुए थे, एक सेकंड में आप पट पे आकर गिरेंगे। तो ना किसी से मुझे महिमा चाहिए, ना किसी की बददुआएं या किसी की बुरी आशाएं, बुरी भावनाएं मुझे असर कर सकती हैं। हाँ, वो अगर कहते हैं कि आपने ठीक नहीं किया, तो मैं थोड़ी देर के लिए सोचूंगा साक्षी होकर के कि इसमें मैंने क्या गलती करी होगी। क्या हर कोई सेटिस्फाइड नहीं है, कि क्या वो सिर्फ वही सेटिस्फाइड नहीं है व्यक्ति? अगर हर कोई सेटिस्फाइड नहीं है तो हाँ, कोई ना कोई गलती है। अगर सिर्फ वही व्यक्ति सेटिस्फाइड नहीं है इससे, तो इसका मतलब और 10 जनों में से 7 सेटिस्फाइड है, 2 सेटिस्फाइड नहीं है, इसका मतलब मेजोरिटी में। फिर परमात्मा कहते हैं, निमित्त हूँ, निर्माण हूँ, तो माया आ नहीं सकती। अगर मैं निमित्त हूँ, मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ, मैंने नहीं किया, और मैं निर्माण हूँ, अगर मैं हम्बल हूँ, तो माया आ नहीं सकती। माया किस तरीके से अटैक करेगी? अभिमान के तरीके से अटैक करेगी। वो एक सेकंड में ऊपर चढ़ा देगी, एक सेकंड में नीचे गिरा देगी। वो माया होती है, माया हमें ही तंग करती है। मैंपन के दरवाजे को बंद कर दो तो माया विदाई ले लेगी। मैं इसको बंद करना सीखना पड़ेगा। हर दिन हम कितनी बारी माया कहते हैं, और वहां पर जब माया कहते हैं तो फिर परमात्मा कहते हैं कि ठीक है बच्चे, तुम ही कर लो फिर, तुम्हारी बुद्धि है, तुम्हारा ही है, तुम ही अपने आप सारा चीज संभालो, तुम ही अपनी परेशानी से निकलो फिर, मेरी क्या जरूरत है तुम्हें, मेरे गुणों की, मेरी शक्ति की क्या जरूरत है, मेरी गाइडेंस की, मेरे प्रकाश की क्या जरूरत है, तुम्हें अपने आप से कर लो सब कुछ। अगर हम वहाँ पे फंसने हैं तो ये चीज़ से ना फंसे हम, इसलिए परमात्मा का सदा संग रहे। आप भी आकर के इस विद्या को सीखिए और मैपन को पहचानिए। मैपन बहुत ही अनेक अनेक रूपों का होता है। मैपन सिर्फ आई ईगो नहीं है, सिर्फ उसके भी बहुत रूप है। ओम शांति इसके साथ।